देखिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में इस वक्त कोरोना मरीजों की जो संख्या वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में इस वक्त जो आंकड़े देखिए वो 10,103 के पास पहुंच चुके हैं संक्रमितों के आंकड़े, 10,000 को पार कर चुका है आंकड़ा और 2,622 लोगों की अभी तक रिपोर्ट जो है उसका इंतजार किया जा रहा है, आना बाकी है रिपोर्ट। यूपी में कोरोना से 268 लोगों की मौत की खबर, 24 घंटे में 382 नए मामले सामने आ चुके हैं, कानपुर में 32 मामले सामने आए, गाजियाबाद में 19 और जौनपुर में 15 नए केस सामने आए हैं, भदोही में 28 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तो मामले देखिए लगातार बढ़ते हुए यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, 10,103 के पास पहुंच चुका है संक्रमितों का आंकड़ा। यूपी में इस वक्त 10,000 को पार करता हुआ कोरोना का आंकड़ा, 2,622 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार अभी भी हालांकि किया जा रहा है और यूपी में इस वक्त मौत का आंकड़ा 268 के पास पहुंच चुका है, 24 घंटे में 382 नए मामले सामने आ चुके हैं अभी तक, कानपुर में 32 कोरोना के मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि गाजियाबाद में 19। कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और लखनऊ से भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, सबसे पहले कानपुर का रुख, कानपुर की स्थिति कैसी, सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे अवनीश, माफ कीजिएगा विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं कानपुर की स्थिति बहुत ही नाजुक है, यहाँ पर 500 का आंकड़ा जो है पार कर चुका है और यहाँ पर जो मरीज सही हुए हैं वो 316 है, फिर भी एक्टिव केस यहाँ पर जो पहले 19 बचे थे वो अब 173 हो चुके हैं। कानपुर में पहली बात तो 15 मौतें हो चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन नहीं जाग रहा है। यहाँ अगर सड़कों की बात करें तो यहाँ पर किसी शक्ति नाम की कोई भी चीज़ नहीं बची है, यहाँ चाहे दवा मार्केट हो, चाहे वो रहमानी मार्केट हो, चाहे वो सागर मार्केट हो, यहाँ इस तरह से भीड़ हो रही है कि जैसे कानपुर या उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर अगर शक्ति की बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं है, यहाँ का प्रशासन ने कहा था कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहना चाहिए लेकिन ऐसा कानपुर में कहीं कुछ नहीं है। अगर इसी तरह स्थितियां बनी रही तो यहाँ पर जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो ग्वालटोली, हूलागंज, खलुआ, फीलखाना, ककवन, ऐसे क्षेत्रों से रोज ही कोई ना कोई कोरोना पेशेंट निकल के आ रहा है जिसके चलते उनके पूरे परिवार को या मोहल्ले को रोज क्वारंटाइन के लिए लिया जा रहा है। ऐसे में जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और इसमें ध्यान देने वाला कोई नहीं है शिवांगी। बिल्कुल विवेक, और अब लखनऊ का रुख करना चाहेंगे, संजय हमारे साथ जुड़े में लगातार, संजय लखनऊ में 10 मामलों की खबर, नई अनूप हमारे साथ जुड़े, माफ कीजिएगा अनूप, हमारे लखनऊ में अगर केस देखे तो 10 मामले नए सामने आए, एक की मौत की खबर भी आ चुकी है, क्या जानकारी 10 नए मामलों को लेकर अभी लखनऊ के? देखिए शिवांगी, बिल्कुल ये जो 10 नए मामले हैं अभी हाल ही में जिस तरह से चिन्हट में जो है एक साथ जो है पहले 5 जो है पॉजिटिव निकले थे, उसके जो परिवार के लोग थे उनकी सैंपलिंग की गई थी, उसके बाद उनमें से जो 10 लोग हैं वो और जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो 15 संख्या जो परसों हो चुकी थी और जो कल है वो 10 नए मामले और जो है सामने आए हैं कि उनमें जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब इनके जो परिवार के लोग हैं उनकी भी सैंपलिंग की गई है, उनकी रिपोर्ट आना शेष है। हालांकि इसके अलावा जीआरपी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है कल जो 3 जो है जीआरपी के जवान जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा निजी हॉस्पिटलों की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें तो वहां भी जो है बड़ी चेन है जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की बात की जा रही है लेकिन दिन से लेकर के रात तक अगर हम बात करें तो जगह जगह जो है भारी भीड़ जो है लोगों की दिखाई देती है, ना दुकानों पे जो है इसका पालन कराया जा रहा है, ना बाजारों में कराया जा रहा है, कहीं भी कोई जो है सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज जो है बची नहीं है। हालांकि प्रशासन दावे आप बन रही हमारे साथ इसी